दो पीस लेनी है। इसकी लंबाई है 19 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। आपको ये पीस इस तरीके से चिपकाना है और एक ये वाला पीस इधर चिपकाना है। आइए मैं पीसों को। फ्रेंड्स, मैंने ये पीस चिपका लिए हैं। अब देखिए दो पीस और लिए हैं मैंने। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। दो पीस काट लिए हैं। अब मुझे ये पीस इधर चिपकाना है। एक पीस इधर चिपकाना और एक पीस इधर चिपकाना। आइए और पीस देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों तरफ पीस चिपका लिए हैं। देखिए मैंने देखिए कैसे चिपकानी है पीस इस तरीके से। और मैंने एक ये पीस काटा है कार्डबोर्ड का। इसकी लंबाई है 50.5 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और इसे मैंने राउंड शेप में काट लिया है, ठीक है। और एक ये वाला पीस काटा है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और इसके कोने थोड़े से मैंने राउंड शेप में काट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने काले रंग का कपड़ा लिया है, इसमें मैंने गम लगा रखी है पहले से। हम इस पे काले रंग का कपड़ा चिपकाऊंगी इस तरीके से मेरे कपड़ा चिपकाना एकदम स्ट्रेट करके। चारों तरफ मुझे इसी तरीके से ये चिपका लेना है। इसको इधर इसको ऐसे करके इस तरीके से चिपका। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये कपड़ा इसके तीनों तरफ चिपका लिया है। अब मैं क्या करना है, इसे कर देंगे। और मैंने ये वाला पीस काटा था, अब इस पर हमें कपड़ा लगाना है। इस तरीके से हमें कपड़ा रखना है और उस पर गम लगाकर हमें इस तरीके से इसे चिपका लेना है और उसे इसी शेप में हमें काट लेना है। लेकिन हमें कपड़ा थोड़ा बड़ा रखना है जिससे कि ये कपड़ा मुड़ के अच्छी तरीके से हमारा चिपक सके। तो ये इसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये काट लिया है कपड़ा इसका। मैंने इसमें पहले से गम लगा रखी है। अब हम इस कपड़े को अच्छी तरीके से इसे मुड़ कर चिपकाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरीके से चिपका दिया है। अब हमें कार्डबोर्ड का ये पीस काटना है, इसी शेप का काटना है। लेकिन इसकी लंबाई है 9.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये कपड़ा लेना है और इसे कुछ इस तरीके से इसमें गम लगाकर इधर रख देना है। और इसी तरीके से कपड़ा काटा था इसका, फिर इसका भी कपड़ा काटना है। इसी शेप में काटना है लेकिन ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे इसे हम मोड़ सकते। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इस पर कपड़ा चिपका रखा है। देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो मैंने ये वाला पीस काटा था इस पर गम लगाकर ये वाला पीस मैं इस तरीके से इसे मिलाकर चिपका लेना। आइए मैं इस पीस को चिपका दूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर कपड़ा अच्छी तरीके से चिपका लिया। देखिए इस तरीके से मैंने ये चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने पीस काटा हुआ था इस पर मैंने कपड़ा लगाना है। इस कपड़ा में तरीके से रखकर इसी सेम में ये कपड़ा काट लेना है, जैसे इसका काटा था उसी तरीके से इसका भी काट। जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है हमें, इसे हम अच्छे से मोड़ सकते हैं। इसमें मैंने अच्छी तरीके से कपड़ा चिपका लिया। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैंने जो ये वाला पीस काटा है इसी शेप का है, लेकिन ये काफी छोटा पीस काटा है मैंने। इसमें हमें ग्लू लगा के कपड़ा चिपकाना है कुछ इस तरीके से। ग्लू लगा लेनी है ऐसे रख के, इसी सेम में काटना लेकिन इसे थोड़ा बड़ा काटना और ऐसे मोड़ देनी है और उसको लेके हमें इस पे चिपका। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरीके से कपड़ा लगाकर इसे चिपका लिया इस पीस को। अब हमें क्या करना है, ये बेड वाला काट लेना है हमें। इसे ऐसे लगाना है हमें इस तरीके से, इधर गम लगाकर अच्छे से इस तरीके से लगाना है और इस वाले पीस को भी हमें इस तरीके से इधर लगाना है। देखिए हमारा ये बेड के सेम में आ जाएगा। तो आइए इसे हम चिपकाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरीके से इधर चिपका दिए दोनों पीस। ये बेड की सेम में आ चुका है और इसका मैट्रेस तैयार करेंगे। मैट्रेस के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है। इसकी लंबाई है 19 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। हमने स्पंज काट दिए जिससे ये सॉफ्ट एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए ऐसे। और इस पर हमें कपड़ा लगाना है। मैंने ये गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है। इसको उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद इसको भी स्पंज वाला हिस्सा नीचे रखेंगे इस तरीके से और इसे हमें ये काट लेना, एक्स्ट्रा कपड़ा काटना जिससे कि हमें ये मोड़ सकें। और इसे मोड़ के हम इसे अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मैट्रेस तैयार कर लिया है और इसमें स्पंज लगाने में देखिए काफी मुलायम हो चुका है एकदम नरम नरम। अब हम क्या करेंगे, इसमें फेविकॉल लगाकर इसकी चारों तरफ इसमें भी लगा देंगे और इस तरीके से हम इसे इसमें चिपका देंगे। आइए हम इसे चिपकाते हैं। और
देखिए मैंने कुछ इस तरीके के स्टोन लिए हैं, अब इससे हम इस पर डेकोरेशन करेंगे। हम डेकोरेशन करने के लिए इसे स्टोन चिपकाएंगे, तो पहले हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसका मैट्रेस भी चिपका लिया, उसके स्टोन भी लगाए। देखिए कितने अच्छा लग रहा है, हमारा बेड एकदम बन के तैयार हो चुका है इस तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।